कल एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। हमारा एक दोस्त है गुड़गांव में, तो उसकी वहां पर एक आईटी कंपनी है, तो हम लोग वहां पर गए हुए थे। वहां पर इंटरव्यू चल रहे थे जॉब्स के लिए, तो एक लड़का आया और उससे पूछा गया कि क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं। उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर चला लेता हूँ। फिर उससे पूछा कि क्या आप ईमेल सब कर लेते हो सही तरीके से। उसने कहा कि हाँ, मैं पूरा कंप्यूटर अच्छी तरीके से चलाना जानता हूँ और मैं ईमेल के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। तो उससे पूछा गया कि सीसी और बीसीसी क्या होता है और इनमें क्या फर्क होता है। यकीन मानिए, उस लड़के से इसका जवाब नहीं दिया गया। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो उसको दे देना चाहिए था, जबकि उस लड़के ने पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा था। उसके बावजूद भी वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया कि सीसी और बीसी ईमेल में क्या होता है। तब मुझे लगा कि यार वाकई इसके बारे में तो 70% लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर कोर्स करते टाइम पर ये चीज नहीं बताई जाती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीसी और बीसीसी क्या होता है और इनमें क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल में यहाँ पर हम एक ईमेल कंपोज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 2 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीसी और बीसी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमें अक्षय को एक ईमेल भेजना है, तो यहाँ पर हम अक्षय की ईमेल आईडी डालेंगे। तो ये काम होता है 2 का, कि जिसको भी हम ईमेल भेज रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ओरिजिनल ईमेल जो पाएगा उसकी ईमेल आईडी हम डालते हैं 2 में। 2 में हम एक से ज़्यादा ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। मान लीजिए एक ही ईमेल, एक ही ऑर्डर हमें 4-5 लोगों को, 10-20 लोगों को देना है, तो उन सबकी ईमेल आईडी हम 2 में डालेंगे। अब दूसरा यहाँ पर है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अक्षय को या जिन लोगों को भी हमने ईमेल भेजा है 2 के जरिए, उसकी एक कॉपी अगर हम किसी आदमी को देना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। यानी हम इस आदमी को ईमेल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि अक्षय को जो हमने ईमेल भेजा है उसकी एक कार्बन कॉपी हम इस आदमी को दे रहे हैं। जैसे कि अक्षय को जो हम ईमेल भेज रहे हैं, इसकी कार्बन कॉपी हम देना चाहते हैं विनोद को, तो यहाँ पर हम विनोद की जीमेल आईडी डाल देते हैं। तो जितने लोगों को भी आप इसकी कार्बन कॉपी देना चाहते हैं उन सबकी ईमेल आईडी आप यहीं पर डालेंगे। अब तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर सीसी में हम जो कॉपी देंगे उसके बारे में अक्षय को पता होगा, मतलब कि जिसको भी हम ईमेल भेज रहे हैं 2 के जरिए, तो सीसी के जरिए उस ईमेल की कॉपी जितने भी लोगों को हम देंगे 2 वालों को पता रहेगा। अब यहाँ पर अक्षय को पता रहेगा कि हमने उसके ईमेल की एक कॉपी विनोद को दी है। लेकिन अगर हम इस ईमेल की कार्बन कॉपी किसी को देना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि अक्षय को इसके बारे में ना पता चले, तो यहाँ पर हम उसके ईमेल आईडी को टाइप कर देंगे जिसको हम इस ईमेल की कार्बन कॉपी देना चाहते हैं अक्षय को बिना बताए। जैसे कि हम बॉस को देना चाहते हैं एक कॉपी, तो यहाँ पर हम बॉस की ईमेल आईडी डाल देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी ईमेल हम टाइप करके सेंड करेंगे ये 3 लोगों के पास जाएगा, 2 में अक्षय के पास, सीसी करके विनोद के पास और बीसीसी बॉस के पास। अब यहाँ पर अक्षय को पता रहेगा कि विनोद को इस ईमेल की एक कार्बन कॉपी दी गई है, लेकिन अक्षय को ये नहीं पता रहेगा कि बॉस को भी इसकी एक कार्बन कॉपी दी गई है, क्योंकि हमने बॉस की ईमेल आईडी को बीसीसी में डाला है। साथ ही यहाँ पर विनोद को ये पता रहेगा कि अक्षय को ये ईमेल भेजा गया है और मुझे कार्बन कॉपी दी गई है, लेकिन विनोद को भी ये पता नहीं रहेगा कि बॉस को भी इसकी कोई कार्बन कॉपी दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे कोई भी ऑर्डर, जो भी ईमेल का सब्जेक्ट है, जैसे कि हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल टाइप कर देंगे। अब जैसे हमने अक्षय को एक ईमेल भेजा है कि इन फाइल्स को प्रिंट कर दो, तो अक्षय के पास तो जाएगा ही ऑर्डर, लेकिन इसकी एक कॉपी विनोद के पास भी जाएगी, लेकिन विनोद को ये फाइल्स प्रिंट नहीं करनी क्योंकि सीसी करके हमने उसको ईमेल भेजा है, मतलब उसको सिर्फ एक कार्बन कॉपी भेजी है। और बीसीसी करके बॉस के पास भी ये ईमेल जाएगा, लेकिन बॉस को सिर्फ पता रहेगा कि अक्षय को और विनोद को ये ईमेल भेजा गया है। तो ये मतलब होता है ईमेल में 2, सीसी और बीसीसी का। अब अगर कहीं पर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीसी और बीसीसी क्या होता है और इनमें क्या फर्क होता है, तो आप एक ही लाइन में बता सकते हैं कि सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
जब हम टू के जरिए किसी को ईमेल भेजते हैं और हम उसकी कार्बन कॉपी किसी को देना चाहते हैं तो उसको हम सीसी और बीसीसी में ऐड कर सकते हैं, उनके पास उस ईमेल की कार्बन कॉपी चली जाएगी। रही बात फर्क की तो सीसी और बीसीसी में बस ये फर्क होता है कि जिसे आप सीसी में यानी कार्बन कॉपी में ऐड करेंगे उसे टू वाला यानी जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं वो देख सकता है कि इस पर्सन को इस ईमेल की कार्बन कॉपी दी गई है। जबकि अगर आप किसी पर्सन को बीसीसी में ऐड करते हैं, बीसीसी में आप उसकी ईमेल आईडी डालते हैं, तो टू वाला यानी जिसको ईमेल भेजा जा रहा है वो ये नहीं देख सकता है कि इसकी कार्बन कॉपी किसको दी गई है। तो ये काम होता है सीसी और बीसीसी का और ये फर्क होता है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।